सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो पहले मैं तो हैप्पी दशहरा सब लोगों को मेरे तरफ से, और अभी एक एक के पास जाते हैं। मैडम बन ले दशहरा हब्बदा शुभाशय। मम्मी बड़ा न्यूज चैनल वाले को बोल रहे, रिपोर्टर में वैसा एकदम फॉर्मल। हैप्पी दशहरा ना, निकल हट जाना। सबको, हम सबके तरफ से, सब पूरा हमारा यूट्यूब फैमिली को विजयदशमी का शुभकामनाएं। वाह, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। मेरे रूमी की तरह है। आ, नया नया ट्रेंड है। सूखा नहीं, वृष्टि की तरह मेरा सूखा नहीं अभी तक। मैं रूम दशहरा का दिन सब पहनता है ना, चलते हैं अपना घर पे, चलते हैं पहनते हैं सब। नहीं है किसने क्या नया पहना है, बोलो। मैंने नया पहना, मेरा मेरा रुक एक मिनट, ओटीटी दिखा दे। तो ये आज का मेरा है ड्रेस, अभी आप दिखाओ एक एक फैशन शो। अभी गेस करो, अभी सब्सक्राइब करने वाला बोलने का, मैं क्या नया पहना। मैं बोलू नेक्स्ट देखो, पहला देख के ले। लकी 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 वीडियो चालू ही कर दू। लकी 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 बेगा उन दिनी तो मेरे ना ओटीडी आउटफिट ऑफ द डे पसंद नहीं थी। लकी लकी चित्र कलेक्शन गोम्बे अरे पापा बाकी अड़ जन लेर यानी बिजी इनी वीडियो मंदिर इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। बीजी बीजी तो गुड़गुड़ी आ लेते हैं। इनी रैक्टिंग बिजी है। हाँ? इनी रैक्टिंग बिजी है। रैक्टिंग बिजी है। बका? यम किनी बिजी है। बैले तो बैले। ओ यू। ये ना सामान उन पुरे वोल पार्ट दी पिनी। बका यंग सिक्के जेड़ा बका यंग के नर पड़ी। ये दीप उधर सारी अंजे दीपा इंजे दीपा। अले अले प्रूफ। उन्दे पंजो पुरे देंगा ती पिन सामान। बका सिक्के जेड़ा यंग के नर पिन पुरा। ये ओदवा ना पुस्तक यंकन बेले डायरेक्ट लैपटॉप बोलो पुस्तक ये जो अच्छा था ना लैपटॉप कोई सेमेस्टर था ई सेमेस्टर तक सिकुड़ जीना मुंडा उन बोल दियो अड़ो अबे अबे गुटे करते गेती लेके करते गेतो बोल तो गुटे उन दिन के ले आई वाला बस से नित कुड़को कुड़को अंत बकवल मागर बत्ती दधुड़ बस दिन वंदे अरे काले लैपटॉप तो ना सही कोकर बे इतना गणपति देंगो नंदी है इंची दी इंची दी अंचे इंची इंची दी नंदा इतना वेले सो ये ना हो गया पर ये ना क्या पर नहीं सरस्वती ये ना पोता तंगी इतना मंडे बीत गया आपको ना అవ ఇంకలే ఫ్యాన్ ఎడుకున్న దబ్బేసేది ఏసేడుకున్న దబ్బేసం పులిర్ ఏసి పాట ఊడు పుచ్చాను మిత్తు పొదు పులిర్ల కోడే దాకు ఏసిది మిత్తు పులిర్ల ఏసిద మిత్తు పొదు చేసి పాడవన ఇంకలు వన్న పోడిది బయరే గెత్తుతాడు అవైకత్ తెడిబ అవు పాడు పాడు అవు కాలి ఇరేంజి బాన సిక్కుదిన లాయకద
தேடில் வரப்புணன் பொண்ணு பென்சில் வருவே கண்ணப்ப கண்ணப்ப இந்த வீடியோ பண்ணுன தோஜா ரேக் யான் மேல மல் தொந்துள்ளே இந்த யான் மன்ப வேலே அந்த ஆதே யான் கேமரா பத்தண்டா யானே தோஜு ஜி பக்க ஆஹா ஐகே பக்கதால ஜனக்லே கொத்தா புணன் ஹார்ட் வர்க் யான் பத்துவே கேமரா இ பேல மல் தல தூக்க நீங்களே கொத்தா புஜ் அந்த ஜனக்லிங் சப்போர்ட் மன்ப நீங்களே மன்ப புஜ் ஜனக்கல் காலி வீடியோ தூப்பினத்தா கேஸ் ரி சாரி ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜ் शीशी मोगले के वक्त तो जी ओल दी तिन ओल दी तो जन फ्रिज पे बांधने का रख दो आ रख दो ऊपर बांधने को तो बांध ऐसा एंड हो तो ऊपर कोई सेट करता है तब मरने के लिए ना हैप्पी दशहरा। सो मैडम आज का स्पेशल क्या है जरा बताएंगे आप? आज का मेरा स्पेशल ये है राइस है तोते सांबर है हाँ। ये फ्लावर और बटाटा का भाजी है हाँ। ये भिंडी मसाला है ये कडले मसाला है हाँ। और ये कोशिमबीर है अच्छा। और उसके बाद पैसा है पैसा अभी फिलहाल पानी सब इधर है पैसा सब बैठने को नहीं होते करके सब पैर ओपन करके बैठे हैं अभी हाँ। हे गाइस वेलकम बैक। दोपहर को तो जो आप लोग ने देखा खाना वाना हम लोग सब खा के मैं तो जो इतना सो गई ना फुल मजे से सो गई मैं। हुआ क्या आज एक तो दशहरा तो सुबह वो कोरल बांधते हैं ना मतलब नम्मा उर्दगले गुतुन कोरल तो वो राइस का जो लीफ के साथ मैंगो लीफ और फिर फूल का ये वो सब मतलब एक न्यू ईयर जैसा होता है तो वो बांधते तो फिर उसके लिए आज सुबह जल्दी उठाया था तो इतना नींद रात को भी एडिटिंग करने के चक्कर में लेट हुआ सोने के लिए सो उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठा तो फिर उसके बाद ये वो काम में टाइम सा लगा तो उसके बाद दोपहर को खाना वाना खाया और मैं जो सो गई तो अच्छे से सो गई जैसा रात को सोता ना उतना आराम से मस्त सो गई मैं। अभी मैं ऑल्टरनेट डेज व्लॉग्स डालती रहती थी एक दिन का गैप देके बट वो क्या रहा है ना अभी ना तो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग चैनल को और ऊपर से लाइक्स तो बहुत कम आते हैं मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बट स्टिल लाइक्स वैसे के वैसे कम ही आ रहे सो अभी मैंने क्या सोचा ना इतना मतलब मैं इतना एफर्ट लेके बैक टू बैक व्लॉग्स डाल रही हूँ बट उसके आगे उसके मतलब उसके बदले मेरे को नहीं मिल रहा है कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा लाइक्स कम आ रहे हैं तो फिर मतलब ऐसा लगता है ना एक पॉइंट में जाके आपको ऐसा लगता है कि अरे हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं बट ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल ना ही लाइक्स आ रहे तो फिर वो कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है करके तो अभी मतलब फिर इसीलिए मैंने अभी ये डिसाइड किया है
कि अभी कैसा ऑल्टरनेट डे आता था व्लॉग्स, तो अभी ऑल्टरनेट डे नहीं आएगा, वीक में दो दिन आएगा व्लॉग। मेरे को पहले लोग डेली व्लॉग बनाने को बोल रहे थे, बट अभी मैं ये ऑल्टरनेट डे डाल रही है व्लॉग, उसी में ही अगर ये कंडीशन है, ना तो व्यूज जा रहा है, ना लाइक आ रहा, ना तो लाइक्स आ रहे, ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग, शेयर भी नहीं कर रहे हो, कमेंट्स तो बहुत कम आते हैं, जो मतलब रेगुलर बेसिस पे जो लोग देख रहे हैं, बस गिने चुने उन लोग का ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है स्टडी के साथ, स्टडी भी करना और उसके साथ व्लॉग्स भी मतलब ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड करना, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही थी और मैं कर भी रही थी। सिर्फ मैंने एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ब्रेक लिया था बस, उसके बाकी टाइम तो मतलब एवरी टाइम मेरा बराबर ऑल्टरनेट डे व्लॉग्स आता था। सो इसके पहले मैंने बीच में एक व्लॉग डाला था जहाँ पे हम लोग ने मतलब पूरा शॉपिंग किया था, खाना पीना, वो स्वीट्स मैंने डाला था कि मुंबई में वेर यू कैन ईट फॉर फ्री, मतलब काफ़ी आप लोग खा भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, वैसा था वो व्लॉग। किसी ने नहीं देखा रहेगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो वो जाके देख सकते हैं। और यस उस टाइम पे मैंने स्वीट्स और चॉकलेट्स का भी दिखाया है, मतलब लिया है मैंने, बट मैं वो दिखाऊंगी नहीं व्लॉग में क्योंकि आप लोग मांगोगे मेरे से फिर मेरे को नहीं दिया करके, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को वो। और अच्छा भी नहीं लगता है मेरे को ऐसा, मतलब खाने पीने का इतना ये दिखाना, फिर क्या होता है ना हर किसी को मिलता नहीं है, फिर वो अच्छा पता नहीं मेरे को वो पर्सनली अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ भी खाने पीने का इतना दिखाने के लिए। हाँ मैं बाकी कुछ भी रहता है ड्रेस वेस या जो भी मेरा मेकअप का सामान होता है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो बस खाने का थोड़ा संभाल लेना आप लोग। तो उस टाइम पे मैंने स्वीट्स चॉकलेट्स के साथ में ये भी लिया था, मैंने थोड़ा मेकअप का सामान लिया था। पहले बात तो मैं बहुत कम अप्लाई करती है मेकअप, मतलब लिटरली एकदम बोलते हैं ना एग्जाम्पल सिर्फ टचअप जैसा होता है मेरा मेकअप, वो इन डिटेल मेकअप करने को मुझसे जमता नहीं और मैं उतना वो कैरी कर भी नहीं सकती है, वो पूरा ऐसा मेरे को लगता है कि कुछ तो एकदम लगा के रख दिया है करके। तो मैंने वहाँ पे बॉम्बे में ही मार्केट में सुपरमार्केट में काफ़ी सारा मैंने काफ़ी नहीं एक्चुअली मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ, जो कर सकती हूँ, जो मुझे बेसिकली आता है यूज़ करना, तो मैंने वो थोड़ा सामान लिया था। सो मैं भी वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने लिया था वहाँ पे वो था ये हुडा ब्यूटी का बाथ सॉल्ट लिया था, लेमन फ्लेवर में है ये। तो ये बेसिकली ऐसा है, तो ये कैसा है ना मतलब गर्म पानी में ना अपना बेथिंग के टाइम पे यूज़ होता है नहाने के टाइम पे, तो ये उसके लिए मैंने लिया था लेमन फ्रेग्रेंस के लिए। वहाँ पे काफ़ी वैरायटी में भी है रोज़, काफ़ी सारा है। तो उसके बाद मैंने ये हुडा ब्यूटी का टू इन वन डीप क्लेंजिंग एक्सफोलिएटिंग क्रीम मतलब ये लिया था, पीलिंग जेल जैसा मतलब फेस वॉश जैसा है कि, तो ये मैंने वहाँ पर लिया था। तो उसके बाद इस वॉश के बाद ये मैंने हुडा ब्यूटी का दिख रहा ये फाउंडेशन लिया था। ये स्किन शेड मेरे स्किन टेक्सचर के ऊपर है जो मैंने ये शेड लिया है। और उसके बाद ये मैंने मैक का टू इन वन पाउडर लिया है जो अपन फाउंडेशन जैसा यूज होता है। तो ये इसका ऐसा पैकेजिंग है मैक का, तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा है। मैं पर्सनली तो मैं खुद भी मैक का ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो ये ऐसा पाउडर है, इसके साथ आप लोगों को एक मिरर भी मिल रहा है और मतलब तो और ये है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा है। तो ये वाला जो आगे जो दिख रहा है ये लाइट वाला है शेड, ये वाला थोड़ा हाँ ये वाला थोड़ा डार्कर है, डार्क शेड वाला है। और इसके साथ एक मिरर भी मिलता है आप लोगों को ये वाला, तो ये मेरे लिए मतलब मेरे शेड के लिए तो स्किन टेक्सचर के लिए अच्छा है। उसी के साथ ये सेम हुडा ब्यूटी का ही ब्रांड का है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है पहले बात तो। तो ये लूज पाउडर है सेम हुडा ब्यूटी का, ये ऐसा है लूज पाउडर है, मतलब फाउंडेशन लगाने का जो ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप लोगों को कोई मतलब एकदम इमरजेंसी में जाना है, टाइम नहीं है उतना मेकअप करके बैठने के लिए, सो जस्ट अपना जो सनस्क्रीन रहता है वो या तो कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा के
देन यू कैन यूज इट. उसके साथ मैंने लिया है लियोन ब्यूटी का ब्राउ पाउडर, आईब्रो पाउडर. सो ये वाला ऐसा दिखता है बाहर से, आई होप दिख रहा है आप लोगों को. तो इसके साथ एक ब्रश भी आता है ऐसा है. तो ये ब्रश है और ये ब्लैक है. हाँ ये ब्लैक है. ये थोड़ा सा ग्रे, मतलब एकदम लाइट ग्रे है. ये थोड़ा सा ब्राउन है और ये वाइट है. वाइट तो कोई लगाता नहीं है, बट हाँ अगर कोई ऐसा कलर मिक्स कर सकते, मतलब अगर एकदम डार्क है तो कोई कोई करते हैं, मैं नहीं यूज़ करती ऐसा, मतलब दो मिक्स शेड करके नहीं लगाते, कोई कोई करता है तो उन लोग के लिए अच्छा पड़ता है ये. उसी के साथ मैंने ये लिया था बॉडी लोशन. तो ये फ्रेश पोमोग्रेनेट फ्लेवर वाला है सिग्नेचर का. तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छा आता है इसका. तो ये नॉर्मल है, जब आप बात करके आते हो तो उसके बाद जस्ट हाथ पैर या पूरे मतलब कहीं पे भी बॉडी पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं. तो उसके बाद मैंने ये लिया था हुडा ब्यूटी का लाइनर. ये पता नहीं दिखेगा कि नहीं, हाँ दिख रहा. तो ये लाइनर लिया था, ये अच्छा है. मतलब मेरे को कैसा ना लिक्विड लाइनर लगाने को होता नहीं है इतना प्रॉपर, तो ये अच्छा है ऐसा पेन जैसा है. आई होप दिख रहा है. तो ये ऐसा पेन जैसा है, तो मतलब ये कैसा लिटरली ऐसा आप अपना आइस पकड़ के तो ये ऊपर से ऐसा लगा सकते हो. ये काफ़ी यूजफुल है एक्चुअली, मतलब लिक्विड आईलाइनर से तो बहुत बेटर है पेन वाला. और उसके साथ मैंने ये विटामिन सी का ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस सीरम लिया था. ये ऐसा तो ये भी अच्छा है. मतलब काफ़ी ये करता है, मतलब ये ब्लैक हेड जो होता है या फिर अपना टैन होता है ना स्किन, धूप में जाता है किसी, मेरे को तो बहुत हो जाता है मेरा. मतलब लिटरली फ़र्क दिखेगा आप लोगों को, ये अगर दिख रहा है कैमरा में. तो यहाँ पे वॉच पहनती हूँ ना मैं, तो वॉच का जो है वो इतना लाइटर शेड है और ये पूरा टैन हो जाता है स्किन. तो मेरे को काफ़ी टाइम से स्ट्रेटनिंग करते हैं तो फिर मेरे पास वो स्प्रे नहीं था, तो सेटिंग स्प्रे. तो इसलिए मैंने ये नोवा गोल्ड का सिस्टम प्रोफेशनल स्प्रे लिया है. ऐसा है ये स्प्रे का बॉटल. सो ये हेयर बेसिकली हेयर सेटिंग स्प्रे है. नॉर्मल डेली रूटीन के लिए यूज़ नहीं मैं करती हूँ और अच्छा भी नहीं है बाल के लिए, तो और मेरे को करने देंगे भी नहीं इन लोग घर पे. तो ये जब भी आयनिंग करते हैं, जब भी स्ट्रेटनिंग करते हैं बाल, और जब भी एकदम अच्छा कहाँ पे पार्टी या फंक्शन में जाना होता है या कोई भी फंक्शन में जाना होता है, तो उस टाइम पे मेरे को ये यूज़ पड़ता है. कैसा मेरा कर्ली है बाल टेक्स्चर, तो वो सुनता नहीं है बाल मेरा, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है. तो मम्मी मेरे को कभी स्ट्रेटनिंग परमानेंट करने तो देगी नहीं, तो इसलिए फिर ये वाला लिया मैंने स्प्रे. तो ये काफ़ी यूज़ में आता है. एक मैंने मेरे शेड के हिसाब से लिया था, हुडा ब्यूटी का ही है लिपस्टिक. मेरा एक्चुअली बहुत मतलब कम ऐसा शेड मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब पसंद बहुत कम आता है, तो जो मैंने वहाँ पे ट्राई किया था हाथ में तो उस हिसाब से मैंने लिया था. सो ये सब था मैंने जो प्रोडक्ट्स लिया, इतना ही था. तो पता नहीं आप लोगों को देखना है कि नहीं, बस मैं पूछ रही हूँ. अगर देखना है कि मेरा कैसा होता है मेकअप, मैं कितना फास्ट में हो जाता है मेकअप, बेसिक और सबसे कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करके मेरे को मेकअप करना पसंद है, तो अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट है वो देखने में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल देना, लिख देना कि मेकअप ट्यूटोरियल वाला देख वीडियो बना देना करके, तो मैं उसका भी बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी मैं. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे अलग रील्स आता है, पोस्ट रहता है, कहाँ पे मैं जाती हूँ तो वहाँ पे अपडेट रहता है इंस्टाग्राम पे. सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, उसका आईडी यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ रहा है. तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. और यही था बस, ये व्लॉग अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करती मैं, तो इसको इधर ही एंड करते हैं. और ये जैसा मैंने इसके पहले बोला था कि अभी वीक में बस दो दिन आएगा व्लॉग, आप लोग के ऊपर है. सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, शेयर करो वीडियो. देखते हैं अगर चैनल का ग्रोथ अच्छा हुआ तो फिर बैक टू ऑल्टरनेट डे व्लॉगिंग. सो बी लेट्स सी, आप लोग के हाथ में, लाइक का बटन दबा देना,
भूल मत जाओ, प्लीज लाइक का बटन दबा दो, अभी देख रहे हो ना, दबा दो प्लीज, मैं रुकी हूँ, दबा दो। दबा दिया, ओके थैंक यू। सो यस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड वंस अगेन सबको, मेरे यूट्यूब फैमिली को, यूट्यूब इंस्टाग्राम सब मेरे फैमिली को हैप्पी दशहरा, सब अच्छा हो आपके फैमिली में, सब कुछ अच्छा हो, आपका विश पूरा हो, सब लोग हेल्दी रहे, सेफ रहे, बस इतना ही है, और क्या चाहिए, खा पी के मज़े से खुश रहो बस। तो बस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, अगर कोई ये चैनल नया देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब मंथली, प्लीज़ शेयर मंथली वीडियो। सो यस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, हैप्पी दशहरा एंड बाय बाय।